मैं शाजन हजार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शाजन हजार ऑफिशियल। तो मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर करनी वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जी हाँ, तो जैसा कि ये आपके सामने जो है, जी हाँ, इसको अब कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इसे मैं बोलती हूँ गोल चर्बी वाला, समझ गए ना। ये वैसे ये अपने आप को बोलता है पत्रकार है, ठीक, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में ये जो है देश में नफरत फैलाने का काम करता है, ये देश में दंगे फैलाने का काम करता है। एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय को खास टारगेट कर करके जो है ये मारने और काटने की बात करता है। तो क्या आप इसे पत्रकार कहेंगे? किस एंगल से ये पत्रकार है? पत्रकार का काम है देश की जैसी भी खबरें हों वो जो है लोगों तक पहुंचाना, ना कि जो है एक खास वर्ग को निशाना बनाकर मार काट की हिदायत करना और जो है घरों में हथियार रखने की जो है वो करना। ये पत्रकार का काम है? ये काम है आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का काम है। और मैं इसे यही समझती हूँ, जो इस तरह का काम करे और इस तरह के नफरत देश में फैलाए वो देशद्रोही और आतंकवादी ही होता है, जो कि ये इसने साबित कर दी खुलेआम। ये है एक इंसान होकर दूसरे इंसान को मारने काटने की जो बात करे तो वो जो है इंसान हो ही नहीं सकता, बल्कि वो इंसान के रूप में खूनखार भेड़िया होता है, जो कि ये जो है ना गोल चर्बी वाला ये ऑलरेडी बन चुका है। इंसान खाने वाला भेड़िया ये पूरी तरह से अब बन चुका है। अब इसको देखिए, इसको देखकर, इसके जो है पोस्चर को देखकर, इसकी हरकत को देखकर, इसके पोजीशन को देखकर कोई ये बोलेगा कि ये पत्रकार है? ये इसको लोग यही बोलेंगे, मैं तो यही बोलूंगी कि ये जो है एक आतंकवादी लग रहा है, खुला तलवार हाथ में लिए एक आतंकवादी देशद्रोही लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो खैर, इसने जो है ना फिर से जो है मुसलमानों को निशाना बनाते हुए एक गोबर उगला है, अपने गोबर कर दिया उसने अपनी ट्वीट पर। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने स्वागत में माथे पर टीका नहीं लगाया, वो पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने के बाद भी वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। ये इस जो है चर्बी वाले डैश ने ये ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, वो भी ऑफिशियल। इनकी तरह एक और है जिनका नाम है योगी देवनाथ, इन्होंने भी ट्वीट किया। पता नहीं आजकल कैसे कैसे लोग योगी बन के आ रहे हैं, जिनको तो अपने धर्म से कोई लेना देना दूर दूर तक वास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माहौल में जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और वही हिंदू मुस्लिम फसाद, धर्म का प्रचार करने से इनको कोई सरोकार नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे योगी और बाबा जो है ढोंगी आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, नई नई पैदाइश हो रही है। इन्होंने भी ट्वीट किया, ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, देखिए। मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक टीका नहीं लगवाते क्योंकि इस स्तर पर पहुंचने के बाद भी अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। क्यों नहीं होंगे धर्म के प्रति कट्टर? क्यों नहीं अपने वो धर्म का पालन करेंगे, मुझे ये बताइए। किसने कह दिया कि एक जो इंटरनेशनल स्तर पर जाकर आप अपने धर्म को जो है लेकर नहीं चल सकते? किस बाबा ने, किस मौलवी और किस जो है महान शख्सियत ने ऐसा कह दिया कि ऊंचाई पर जाकर अपने धर्म को भूल जाओ और अपने धर्म का पालन ना करो? किसने कह दिया, जरा बता दो। दोनों ढोंगी, सबसे बड़ा ढोंगी पत्रकार जो के जो है क्या बोलूं, आतंकवादी के भेष में पत्रकार, जी हाँ, और दूसरा जो है ढोंगी बाबा। किसने कह दिया कि कोई अपने धर्म को लेकर साथ में नहीं चल सकता एक ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद? आए बड़े हट, वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रही है, आप ध्यान से वीडियो देखिए। मोहम्मद सिराज के बाद एक शख्स निकल रहा है, जी हाँ, देखिए, मोहम्मद सिराज के बाद एक शख्स निकल रहा है, उसने भी टीका नहीं लगवाया, वो भी मोहम्मद सिराज के साथ निकल जाता है, ध्यान से देखिए वीडियो। अब बारी आती है उमरान मलिक की। उमरान मलिक से पहले एक शख्स, एक जाने माने क्रिकेटर जिनका नाम है विक्रम राठौड़, वो निकलते हैं बाहर और उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया टीका लगवाने को। जी हाँ, उसके बाद उमरान मलिक निकलते हैं और उन्होंने टीका नहीं लगाया। तो टोटल कितने लोग हो गए जिन्होंने टीका नहीं लगाया? उमरान मलिक और जो है सिराज को छोड़ लेकर के बाकी और दो लोगों ने भी जो है उन्होंने भी टीका नहीं लगाया। लेकिन ये जो दो, एक ढोंगी बाबा और दूसरा जो है आतंकवादी पत्रकार, इसने सिर्फ दो ही का नाम लिया, क्यों? आंख में मोतियाबीन हो गया था या सही से दिखाई नहीं दे रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये आंखें जो है अपनी दोनों सिर्फ मुसलमानों पर गड़ाए बैठा है कि बस जरा सा चूक हो उसको जो है कैच करते हैं मोमेंट और जो है जड़ाधड़ जो है गोबर गिलासत तो गलना शुरू करते हैं, कभी हाथों से तो कभी मुंह से, है ना। पिछवाड़े से ये लोग गोबर गिलासत नहीं निकालते, ये लोग जो भी निकालते हैं अपने हाथों से निकालते हैं और मुंह से निकालते हैं, जी हाँ। अरे भाई गोल चर्बी वाले, जरा बताओ इतना चिढ़ क्यों है मुसलमानों से? क्या तुम्हारी अम्मा जो है वो किसी मुसलमान के साथ भाग गई?
जो इतना चिढ़ते हो मुसलमानों से? रीजन क्या है? कोई ना कोई रीजन तो होगा। किसने तुम्हारे पिछवाड़े जो है चुटकी ले ली तुम्हारी, तो इतना चिढ़ते हो बताओ जरा। तो टीका कुल 4 लोगों ने नहीं लगाया, लेकिन इस नफरती गीदड़ को, खूनखार गीदड़ को सिर्फ 2 मुसलमान लोगों के नाम लिखने थे, क्योंकि जो है ज्यादा से ज्यादा नफरत फैला सके ये नफरत मुसलमानों के खिलाफ। सोचिए जरा, अगर उन 2 मुसलमान खिलाड़ियों के साथ अगर ये 2 और का नाम जोड़ देते तो इस जो है चर्बी वाले इसका शुमार जो है वो ईमानदार पत्रकार में नहीं हो जाता ना, तो वो जो है इसका ये जो जमीर गवारा नहीं करता कि इसका शुमार जो है ईमानदार पत्रकार में हो जाए, क्योंकि ये ठहरा देशद्रोही आतंकवादी टाइप का पत्रकार जो कि मारने काटने की बात करता है। ठीक, तो इसका जमीर गवारा वो नहीं करता कि इसको ईमानदार पत्रकार बोल दिया जाए। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जरूर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक ना। और जहां इस तरह के जो है बेईमान पत्रकार, आतंकवादी टाइप के पत्रकार जो है मुसलमानों को नोचने के लिए और आधा अधूरा सच आपके सामने लाते हैं, हम जैसे यूट्यूबर आपके सामने पूरी सच्चाई ला देते हैं। जी हाँ, और इनका पोल जो है, तो देखिए ये नफरती लोग जो है किस तरह से बेइज्जत होते हैं, किस तरह से इनका अपना जो पोल है वो खुद ब खुद खुल जाता है, लोगों के सामने आ जाता है ना। क्योंकि वीडियो तो जो जब हो रही है या कुछ भी हो रहा है वो तो सिर्फ उसी लम्हात को जो इन लोगों के हिसाब से, ऐसा तो नहीं होता ना वो पूरी वीडियो कवर होती है, तो ये लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि भैया यहाँ पे पूरी वीडियो चल रही है, पूरी फिल्म आ सकती है ना। खैर, नफरत फैलाने में और जो है इनके जहर में इतना ज्यादा गंदगी और जहर फैल गया कि ये लोग अब अपनी इज्जत तक का भी ख्याल नहीं रखते, अपनी मर्यादा को ये लोग लांग चुके हैं, मतलब क्रॉस कर चुके हैं। इन लोगों का अब कोई जमीर धर्म बोलकर कुछ रह नहीं गया, ये लोग हो गए खूनखार भेड़िए। अपनी राय दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, और वीडियो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इन लोगों की वीडियो ना मिलियंस में शेयर होती है, तो जो सच्चाई है उसको भी शेयर होनी चाहिए। शेयर कीजिएगा वीडियो। बस वीडियो यही खत्म करती हूँ। टेक गुड केयर ऑफिसर। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।